सत श्री अकाल जी सारयां नूं स्वागत है तुहाडा यम तड़का पंजाबी कुकिंग दे विच। अज बनावांगे आपां बहुत ही टेस्टी आलू पूड़ी दी रेसिपी। आलू दी सब्जी आपां आलू नूं उबाल के बनाई है ते खट्टी मिठी बनाई है। यह सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ते पूड़ियां वी तुसीं देख सकदे हो किन्नियां फुल्लियां फुल्लियां बनियां हन ते बहुत ही वधिया फ्लफी साडियां पूड़ियां तैयार होईयां हन। ते इह पूड़ियां आपां नॉर्मल आटे नाल ही बनाईयां हन। तो जे तुसी मेरी रेसिपीज पसंद करते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल यम तड़का पंजाबी कुकिंग जरूर सबसक्राइब करो ते नाल लगदे बैल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन तुहानू सब तो पहला मिलन। तो आओ रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो पूड़ियाँ बनाने लई आपां इत्थे कणक दा आटा लिया है। तो इस आटे च आपां ना तो घ्यो पावांगे ना नमक पावांगे। आपां इहनू नॉर्मल पानी नाल गुन्न लवांगे। तो आटे का डो सेम आप उस तरह लगावे जिस तरह आप रोटियां वास्ते डो लगाने हाँ। बहुत ज़्यादा आप आटे को हार्ड नहीं करना ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। नॉर्मल जहा आटा आप गुन के तैयार करेंगे। जो तो आप इस तरीके आटा गुनते हाँ तो साड़िया पूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन दिया हैं। तो आटे का डो हुण आपां तैयार कर लिया है। तो इहदे उपर आपां थोड़ा जिहा घिओ लगा के तो इस तरह एक वड्डा सारा आपां बॉल तैयार कर लवांगे। तो इहदे उपर आपां एक साफ कपड़ा दे के तो इहनूं 10 मिनट वास्ते रैसट वास्ते रख देवांगे। तो आटा पैन हुण 10 मिनट हो गए हन तो हुण आपां एक वारी इहनूं फिर अच्छी तरह नाल मसल मसल के गुन्न लवांगे। बस 2 मिनट आपां इहनूं मल मल के इस तरह गुन्न लेना है। इस तरीके नाल जदों आपां आटे नूं गुन्नदे हाँ तो साड़ी पूड़ी या रोटी कुछ भी होवे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनदियां हन। तो आटे का डो साड़ा बिल्कुल तैयार है। इनू आपां एक डब्बे विच रख के ढक्कन दे के थोड़ी देर वास्ते साइड ते रख देवांगे। गर्मी का मौसम है तो आपां इनू फ्रिज विच भी रख सकते हैं। सर्दी के मौसम में तुसीं बाहर भी रख सकते हो। तो हुण आपां आलू की सब्जी तैयार करांगे। इत्थे मैं 500 ग्राम उबले हुए आलू ले हन। तो इन्हां नूं आपां हत्थां नाल पहला मसल लवांगे। इन्हों मैं ठंडे कर लिया है थोड़ा जिहा। हुण आपां इन्हों मोटे मोटे पीसां विच इस तरह रखना है। कुछ पीस आपां मोटे रखांगे कुछ हल्के जे मसल लवांगे। बिल्कुल बरीक नहीं करने आपां। बस आपां इन्हों मोटे मोटे क्रंबल करांगे। वैसे आपां कट के भी सब्जी बना सकते हैं पर इस तरह सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। हुण आपां तड़के की तैयारी करांगे। सब तो पहला कढ़ाई विच पावांगे आपां 4 चम्मच सरों का तेल। तुसीं अपनी मनपसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो तेल हुण गर्म हो गया है तो ये पावांगे 1/2 चम्मच जीरा ते 1/2 चम्मच धनिया सुक्का थोड़ा जिहा क्रश किया होया। तो कुछ सैकेंड आपां इन्हां नूं लो फ्लेम के उपर फ्राई कर लवेंगे। हुण आपां इहदे विच पावांगे अदरक ते लसन 2 चम्मच कुटिया होया। तो अदरक ते लसन भी आपां हुण फ्राई कर लवेंगे लो फ्लेम के उपर। तो गोल्डन कलर होण तक आपां इहनूं फ्राई करना है। अदरक ते लसन का कलर हुण गोल्डन हो गया है तो हुण आपां इहदे विच पावांगे 3 लंबे ते पतले कट्टे हुए प्याज। इन्हां नूं बिल्कुल पतले पतले में पीसां विच कट लिया है। तुसीं वैसे प्याज नूं ग्रेट करके भी पा सकते हो या फिर तुसीं इहनूं चॉप करके पा सकते हो पर इस तरह सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैं इस तरीके नाल ही कट्टे हन बिल्कुल पतले ते लंबे लंबे स्लाइस विच कटना है पैनां नूं। ते लगातार आपां हले इहनूं इसी तरह फ्राई करदे रहांगे। तो स्वाद अनुसार आप इहदे विच नमक पावांगे। नमक पाउण नाल जिहड़ा प्याज है बहुत ही जल्दी जिहड़ा है फ्राई हो जाता है। प्याज नूं आपां उदों तक फ्राई करना है जदों तक कि इह थोड़ा जिहा गोल्डन नहीं हो जाता तो इहदा जिहड़ा कलर है चेंज नहीं हो जाता। तुसीं देख सकते हो कि प्याज का जिहड़ा कलर है गोल्डन आना शुरू हो गया है। तो हल्का जिहा हले आपां इहनूं होर फ्राई कर लवांगे। तो प्याज हुण बहुत ही वधिया फ्राई हो गया है तो कलर भी इहदा गोल्डन आ गया है। तो हुण आपां इहदे विच पावांगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का। इहदे नाल कलर सब्जी का बहुत ही वधिया आउंदा है। हल्दी पाउडर पावांगे आपां 1/2 चम्मच। 1/2 चम्मच पावांगे धनिया पाउडर। हुण आपां इहनां सारे मसालियां नूं 1 मिनट लो फ्लेम के उपर फ्राई करना है। मसाले पाउण लगे मैं फ्लेम नूं लो कर दिता सीगा हले आपां लो फ्लेम के उपर इहनूं फ्राई करना है।
इतने मैं दो टमाटर तो दो हरिया मिर्चा की प्यूरी ली है तो आप ये पा देवे। टमाटर हरिया मिर्चा मैं बिल्कुल बरीक पीस लिया है मिक्सी के विच, जो तुम इस तरह इनू पीस के पाओगे तो सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो सब्जी आप बहुत ही घट तो घट मसालों तैयार कर रहे हैं, यह सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। लगातार हाले आप इन पकाते रहेंगे मीडियम फ्लेम के उपर। तड़का साडा हुण जिहड़ा है बहुत ही वधिया जिहड़ा तैयार हो रहा है, तुसीं देख सकते हो। तो हुण जिहड़ा टमाटर है उहदा भी पानी सुक चुका है, तड़का हुण ड्राई भी हो गया है थोड़ा जिहा। हुण आपां इहदे विच तेल जां घिओ बिल्कुल नहीं पावांगे, तो इहदे विच आपां दो चम्मच पावांगे पानी। तो पानी पा के आपां इहनूं चंगी तरह नाल हले तड़के नूं जिहड़ा है फ्राई कर लवांगे। तड़के विच थोड़ा जिहा पानी पाउण नाल मसाले बहुत ही वधिया फुल जांदे हन, तो जिहड़ा तड़का है वह भी सॉफ्ट हो जाता है। तड़का हुण साडा तैयार हो गया है, तो असीं इहदे विच हुण उबले तो मैश किए क्रंबल किए हुए आलू पा देवांगे। अद्धा चम्मच आपां इत्थे कसूरी मेथी पावांगे, तो इन्हां नूं आपां मिक्स कर देवांगे। तो बस एक मिनट आपां इहनूं हिलावांगे, बहुत ज़्यादा आपां इहनूं नहीं हिलाउणा क्योंकि आलू साढ़े बॉयल किए हुए हैं। तो हल्का जिहा आपां इहनूं इस तरह हिला देवांगे तो मिक्स कर देवांगे। हुण आपां इहदे विच अद्धा कप गर्म पानी पावांगे ते इहनूं मिक्स कर देवांगे। इस सब्जी च गर्म पानी दा ही यूज़ करना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पाउणा क्योंकि साडे आलू बॉयल किए हुए हैं। ठंडा पानी पावांगे ते इहदी कुकिंग प्रोसैस रुक जाएगा। तो हुण आपां इहदे विच दो कप गर्म पानी दे होर पा देवांगे ते मिक्स कर देवांगे। चम्मच दा चौथा हिस्सा आपां इहदे विच गर्म मसाला पावांगे। अद्धा चम्मच पावांगे आमचूर पाउडर, एक छोटा जिहा पीस आपां इत्थे गुड़ दा पावांगे। तुसीं आमचूर ते गुड़ जरूर पायो, इहदे नाल सब्जी दा टेस्ट बहुत ही वधिया आउंदा है ते साडी सब्जी बहुत ही वधिया खट्टी मिठी बन के तैयार हुंदी है। जे तुहाडे कोल आमचूर या गुड़ नहीं हैगा तो तुसीं इहदी जगह ते इमली ते थोड़ी जी चीनी भी पा सकदे हो, उहदे नाल भी टेस्ट बहुत ही वधिया आउंदा है सब्जी दा। ते हुण आपां इहनूं ढक के पकावांगे 7 to 8 मिनट वास्ते मीडियम फ्लेम के उपर। तो 7 to 8 मिनट हो चुके हैं, तो आप देखते हैं, तुम देख सकते हो सब्जी ने हुण जिहड़ा है तेल भी छड्ड दिता है। सब्जी साडी बहुत ही वधिया तैयार हुई है, ना ज़्यादा पतली है सब्जी तो ना ज़्यादा गाढ़ी है। सानू सेम इस तरह की सब्जी चाहिए है, पूड़ी में सब्जी इस तरह की वधिया लगती है। ये आप थोड़ा जिहा बरीक कटिया हुआ हरा धनिया पा देवे, तो आप इन्हें मिक्स कर देवे। सब्जी बहुत ही वधिया बनी है, इस सब्जी को तुसी रोटी पूड़ी परांठे किसी भी चीज़ में सर्व कर सकते हो, बहुत ही वधिया लगती है। तो आटा अपना हुण आपां देखते हैं, आटे साडे पए नूं हुण काफ़ी देर हो चुकी है क्योंकि सब्जी बनाउण लग गए सी आपां। आटा साडा हुण बहुत ही वधिया जिहड़ा है तैयार हो चुका है, तो हुण आपां पूड़ियां दी तैयारी करांगे। तो इत्थे आपां सारा समान रख लवांगे नेड़े, हल्का जिहा घिओ दा हाथ लगा के आटे नूं आपां थोड़ा जिहा इस तरह मल लवांगे। इस तरीके नाल पूड़ियां बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनदियां हन। हुण आपां पूड़ियां वास्ते पेड़े करके रख लवांगे। तुसीं अपनी मनपसंद के वड्डे छोटे जिद्दां तुहानूं पेड़े पसंद हन कर सकते हो। वैसे तो पूड़ी नॉर्मल जिही वधिया लगती है, तो मैं छोटे छोटे इत्थे पेड़े कर रही हाँ। जिन्ने कि आप पूड़ियाँ बनाने हुण उस हिसाब नाल मैं पेड़े करके पहला प्लेट में रख लवांगी। इस तरीके नाल सानूं पूड़ियाँ बनाउण च बहुत ही आसानी हुंदी है। पेड़े हुण मैं तैयार करके रख ले हन, तो हुण आपां पूड़ियाँ नूं बेल लवांगे। पूड़ियाँ नूं बेलण लई मैं सुक्का आटा लिया है, इस तरह पूड़ियाँ बेलनियाँ बहुत ही आसान हो जांदियां हन। ते हल्का जिहा आपां आटा लगाउणा है, बहुत ज़्यादा आटा पेड़े नूं नहीं लगाउणा आपां, बिल्कुल हल्का जिहा आटा लगा के पहला आपां इहनूं थोड़ी जी वड्डा कर लवांगे पेड़े नूं, क्योंकि आटा आपां बहुत ही सॉफ्ट गुन्निया है ताकि साडे पूड़ियां सॉफ्ट बन। इस करके आपां सुक्के आटे दा यूज़ कर रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा आटा नहीं लगाया, तो वाधू आटा आपां झाड़ दिता है। तो हुण आपां इहनूं बेल लवांगे।
बिल्कुल, आपां जिन्नी की रोटी बेली दे उन्ना की मोटा बेलना है, बहुत ज्यादा पतला या बहुत ज्यादा मोटा नहीं बेलना। तुसी देख सकते हो कि पूड़ी नूं आपां बिल्कुल रोटी जिन्ना ही बेलिया है, जिन्नी की रोटी अपनी पतली या मोटी होंदी है उन्ना की। तो हुण आपां इहनूं फ्राई करांगे। इधर मैं गैस के उपर कढ़ाई में तेल पाया होया है, तेल हुण बिल्कुल चंगी तरह गर्म किया होया है। फ्राई करन लगी अपना तेल चंगी तरह गर्म होना चाहिए है। तो पहला आप इन्हें चैक कर लवेंगे, इतने बिल्कुल छोटा जहा आटे का पीस पा के आप चैक कर रहे हैं। हुण तुसी देख सकते हो साडा आटा जिहड़ा किन्नी जल्दी उपर फुल के आ गया है, इहदा मतलब साडा हुण तेल बिल्कुल तैयार है फ्राई करन वास्ते। हुण तेल दे विच आपां पूड़ी पा देवांगे। पूड़ी ते भठूरे जदों भी असीं फ्राई करने होण, तेल बहुत ही हाई लैवल ते गर्म होना चाहिए है, तेल ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुसीं देख सकते हो पूड़ी किन्नी जल्दी फुलकी उपर आई है, तो कितना बलून वांगू फुल गई है। हाले आपां इहदे उपर तेल भी नहीं पाया सी, पहले ही फुलकी आ गई है उपर। जे तुहाडियां पूड़ियां नहीं फुलदियां, तुसीं इहदे उपर थोड़ा थोड़ा तेल पाउंदे जाओगे कड़छी दे नाल, तां तुहाडियां पूड़ियां बहुत ही वधिया फुल जाणगियां। क्योंकि आटा आपां बहुत ही नॉर्मल जिहा ते बिल्कुल मुलायम गुन्निया सी, इस करके साडी पूड़ी बहुत ही वधिया बनी है। हुण आपां इहनूं उल्ट पुल्ट करके फ्राई कर लवांगे, ते गोल्डन जिहा कलर होण तक आपां इहनूं फ्राई करना है। तो पूड़ी अपनी बहुत ही वधिया जिहड़ी गोल्डन जी तैयार हुई है। हुण आपां इहनूं तेल दे विचों बाहर कढ लवांगे। तो इधर प्लेट में मैं सर्व किए हैं आलू, दही, सैलड वगैरह, चटनी। हुण आपां इहदे विच पूड़ियां रख के सर्व करांगे। तुहाडी आलू पूड़ी की रैसपी किस तरह बनी मैनूं कॉमेंट्स विच जरूर दसना। तो फिर मिलते एक नवी रैसपी के नाल, उदों तक लई सति श्री अकाल।